लेकिन अभी पुराने आपने आपने सरोना जी को सुना, उन्होंने कहा कि जो काम आपकी सरकार में नहीं हो पाया वो काम उन्होंने पहले 5 साल में पूरा कर लिया, छोड़ दिया था। नहीं 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 नहीं, अब तो वो और आगे बढ़ के अभी आपने ये नहीं देखा कि जो बहुमत से सरकार बनी है ये विकास की वजह से ही बनी है। इसी को कहते हैं कि बहुमत से सरकार, बहुमत से हमारी सरकार बनी हुई है। अगर हमारी सरकार विकास नहीं करती तो बहुमत से सरकार कैसे बना पाती? भाई साहब, बहुमत से सरकार बनी है, बहुमत से, बिल्कुल। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए हिमराज। मैं नहीं बोला, लेकिन मेरी पूरी बात नहीं हो पाई। आप बोल दे सर, आप पूरी। मैं अगर पूरे प्रदेश की या पूरे देश की अगर बात ना करूं, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, तो मेरे पीलीभीत जिले में अभी भी आज की डेट में 200 करोड़ से ऊपर गन्ना किसानों का बकाया है और दूसरी गन्ने की सीजन शुरू होने जा रही है। मेरे क्षेत्र में 12 किलोमीटर बाईपास को बनते हुए आज 5 साल गुजर गए और फिर 6 महीने गुजर गए, अभी तक बाईपास पूरा नहीं हुआ है। मैंने अपनी सरकार में 1250 एकड़ जमीन UPSIDC को ट्रांसफर कराई थी, उसमें अभी एक भी इंडस्ट्री खड़ी नहीं कर पाए ये लोग। टाइगर रिजर्व को कराया था, टाइगर रिजर्व के लिए अभी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। सारी सड़कों का खस्ता हाल है, दिखाई नहीं दे रही सड़कें कहां पे। हमने 650 करोड़ की सड़कें 5 साल में कराई थी, तमाम सारे सैकड़ों गांव में सीमेंट सड़कें बनाई थी, मंडियां बनाई थी, तमाम सारे काम किए गए थे। आज कहीं पर कोई काम, जो सड़कों की रिपेयर नहीं हो पा रही, मरम्मत नहीं हो पा रही है, तो अगर मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबी सूची है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आज अगर सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो ज्यादा से ज्यादा काम होना चाहिए। और जो सांसद है हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले के भी सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के सांसद सरकार तालमेल बनाए, कम से कम जो है, जो जनता ने जिस उम्मीदों से सांसद बनाया है उस पर काम करे। उस पर काम करने की बजाय अब आपस में वो सरकार के कामों संतुष्ट नहीं है, सरकार सांसद की कामों संतुष्ट नहीं है। अगर ये तालमेल बनाए तो शायद हमारे पीलीभीत का कुछ विकास हो पाए, तो विकास के नाम पर अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा है। सरकार तालमेल के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है बाबूराम जी, और इसका खामियाजा यहाँ जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा है, हमारे साथी ने बताया कि सड़कों वाली बात है। अभी आपने, मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं कि आज लखनऊ से लेके बरेली तक का जो रोड है, हाईवे बनाया और इतना अच्छा रोड बना है, मैकलगंज से लेके उत्तराखंड तक चारों तरफ रोडों का जो चौड़ीकरण हुआ है और विकास हुआ है, मैं समझता हूं सपा की सरकार में जो खोखले वादे थे उन वादों को करने में कभी भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के आज 5 साल के शासनकाल में हुआ है। और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र आप लें, लेकिन पीलीभीत का जो चौमुखी विकास हुआ है, रही बात रिजर्व टाइगर की, आप लोगों के ये काम इनको दिखते क्यों नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि आपका काम ग्राउंड पे दिखता ही नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, आपको दुगनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। मैं उस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ कि डबल इंजन की सरकार में आज लोकतंत्र में लोगों को जो न्याय मिला है वो न्याय कभी नहीं मिला है। एक भी अपराध नहीं हुआ, चाहे धार्मिक उन्माद का हो आप देख लें, और जो भी कार्य योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं वो कार्य इतने सराहनीय हैं, और उन कार्य को लागू करने के लिए आज शासन से लेकर प्रशासन तक सभी कटिबद्ध हैं, और हम लोग लगातार निरंतर ये प्रयास करते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य विकास के क्षेत्र में नहीं रुकावट बनेगा। और हम रात दिन विकास के लिए हमेशा जितने भी विधायक हैं कार्य करते हैं। रही बात साथी की जो कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल मैं समझता हूं किसी स्तर तक सच नहीं साबित होती है। आज हमारे क्षेत्र में आज की डेट में गन्ना किसानों का 200 करोड़ रुपए बकाया है, 170 करोड़ रुपए बरखेड़ा बजाज मिल पे, और 30 करोड़ रुपए सरकार की अपनी सहकारी चीनी मिलों पर बकाया है। और हमारे जिले के तो ये सच्चाई मैं बताऊं भी है, माननीय विधायक जी इसी पर जवाब दे दे कि बकाया क्यों है किसानों का। सच्चाई बताऊं बजाज राइस मिल की वजह, मैं बजाज राइस मिलों की सच्चाई बताऊं कि ये बजाज राइस मिलों का ही कहना है कि हमको कहां से किसानों को, वो पूछ रहे हैं किसानों की बात आप करते हैं, उनका कर्जा में या फिर बकाया भुगतान क्यों बचा हुआ है? देखिए, सबसे ज्यादा भुगतान हमारी सरकार ने किया है गन्ना किसानों का, चाहे जितनी सहकारी चीनी मिले हैं। रही बजाज मिल का केवल 46% भुगतान हुआ है, अभी वहाँ का 54% बकाया है। तो सरकार में हजारों करोड़ का भुगतान नहीं हुआ था, और हमारी सरकार ने जो भुगतान किया है आज किसानों के लिए,
बजाज राइस मिल की जो चीनी मिल का भुगतान है उसमें बजाज वालों का ही कहना है कि हमें सपा सरकार में कि जितना जो पैसा हमारा है आज नहीं मिला है और हम मजबूर हैं, लेकिन हम लोगों ने उन पर बहुत नकेल कसी है और सब पैसा धीरे धीरे सारे बजाज की राइस मिल वाले और सभी राइस मिल वाले दे रहे हैं। ये बिल्कुल बात आपकी झूठ है, इसमें कहीं एक पैसे पर भी सच्चाई नहीं है। इस पर आप काम कर रहे हैं, ये आपने कहा कि समाजवादी पार्टी झूठ बोल रही है, आप काम कर रहे हैं और सभी को साथ लेकर के काम कर रहे हैं। प्रवक्ता नंद जी, आप लोग ये कहते हैं, एक सवाल ऐड कर दूं, आप लोग ये कहते हैं कि सबको साथ लेकर के आप बढ़ते हैं, हर तबके का आप ख्याल रखते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में आपने हर तबके के लिए क्या काम किया सर, वो कुछ बातें कुछ उपलब्धियां बता सकते हैं? मैं समाजवादी के अपने साथी को बताना चाहूंगा, क्योंकि इनके लिए हमारे डबल इंजन की जो सरकार है केंद्र और प्रदेश में, उनके कार्यशैली को ये नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि ये स्वयं की कार्यशैली नहीं देख पाए। पाँच साल तक बरखेड़ा की देवतुल ईमानदार जनता ने आपको बहुमत से एक तरफा विधायक बनाया था और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी। यदि ये लोग जनता के हितों की रक्षा करते, जनता के लाभ का काम करते, तो आज इनके लिए इस तरह से जनता नकारती नहीं। और ईमानदारी की बात यह है, क्योंकि जब विपक्ष ने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया, हम सबके नेता यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश और प्रदेश दोनों को बचाने के लिए, बल्कि प्रातः उठकर के रात्रि के मध्य 12 बजे तक काम करने का प्रयास किया है, दो दो बजे तक काम करते हैं। और ये सच है कि केवल और केवल वो देशवासियों के लिए काम करते हैं। जितनी भी सरकारें आईं, परिवारवाद को, वंशवाद को, जातिवाद को आगे बढ़ाने का काम किया, पर इस समय हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार ने जातिवाद और वंशवाद को खत्म किया है पूरी तरह से। और रही बात बरखेड़ा विधानसभा और पीलीभीत जिले की, तो जितना काम आज हमारा कार्य योजना में लगा रहा है, अभी तो हमें 3-4 महीने हुए हैं, हमने इतनी मेहनत करके कार्य योजना बनाई है, बहुत जल्द वो चमकेगा। और अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में पूज्य योगी जी के द्वारा पीलीभीत के लिए बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज मिला है, जो कि समाजवादी की सरकार में एक भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। और बहुत सारे काम हुए हैं, हमारे बरखेड़ा में CHC एक हॉस्पिटल बना है जिसमें बहुत अच्छी साफ सफाई है, वहाँ पर सारे डॉक्टर्स और नर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, वहाँ एक भी मरीज पीलीभीत के लिए रेफर नहीं किया जाता है, बहुत अच्छे से वहाँ काम होते हैं। बरखेड़ा में सर्वे को लेकर सर बहुत सारी सियासत चल रही है और ये कहा जा रहा है कि आप लोग टारगेट करके एक विशेष संप्रदाय को, समुदाय को आगे बढ़ते हैं, आपका हर काम है। ये आरोप हमारे पर नहीं लग सकता, क्योंकि हमारे देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम इस नारे के साथ, आप सभी को मालूम है कि कई लोग ऐसे हैं जो आज भी हमारी भारतीय जनता पार्टी से वोट देने से बचते हैं, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर राम के घर अनाज गया कोरोना जैसी महामारी के समय, तो रहीम के घर भी अनाज देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अगर सुनीता के लिए आवास और शौचालय मिला है, तो सलमा के लिए भी दिया है। ये आरोप तो हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं लगा सकता कोई। लेकिन सवाल क्यों उठते हैं और ये दिखाई क्यों नहीं देता, सवाल तो ये खड़ा होता है कि ये दिखाई क्यों नहीं देता है हेमराज जी को, उनकी पार्टी को? अब देखिए मैडम, ऐसा ना, मैंने कहा कि जब उन्हें अपनी कार्यशैली नहीं दिखाई दी 5 साल तक कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, यदि अपने कार्यों का प्रशीलन कर लेते तो शायद दोबारा से ये लोग आ जाते। लेकिन जब हम अपने कार्य नहीं देख पाए कि हमने अच्छा किया कि बुरा किया, इसलिए वहाँ की जनता ने पूरी तरह से नकारने का काम किया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।